दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं कति बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चारू ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों हम आज चल आए ससुराल और आए थे कल, तो कल आने में काफी ज्यादा शाम हो गया था। वैसे तो हम लोग का ट्रेन जो है डाल्टनगंज से काफी ज्यादा वैसे तो 54 से आते तो लेट होता, तो हम लोग एक्सप्रेस से आए थे। तो 4 बजे हम लोग यहाँ पर पहुंच गए थे। वैसे थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि कभी कभी लाइन को क्रॉस करने में दिक्कत होता है, ट्रेन को आने जाने में। एक ही बार अगर एक ही पटरी में चलने लगता है तो थोड़ा सा रोक लगा देता है, तो काफ़ी ज़्यादा आधा एक घंटा रोक देता है। तो इस वजह से रात हो गया था हम लोग का आते। तो उसके बाद में अभी तो हम खाना वाना खा लिए, दाल भात बनाए थे और आलू का सब्जी भुजिया। और उसके बाद में घर का, आज मंगलवार का दिन था तो घर का सारा साफ सफाई कर दिए थे। और आप सभी को हमने बताए थे कि हम लोग का गांव में प्रोग्राम जो है लगने वाला है, तो दिन है आज ही। और मायके से हम जल्दी मतलब फटाफट से चल आए गए थे, तो मम्मी सब रोक रहे थे कि मत जा करके, लेकिन हम बोले कि नहीं मम्मी जाना होगा। पापा भी बोल रहे थे, भाई सभी कोई बोल रहे थे कि मत जाओ से रह जाओ करके, तो हम बोले कि नहीं मम्मी हमको जाना होगा। और वैसे हम लोग का यहाँ पर धान उन भी पक गया है, अब मकई छत पर चढ़ाया हुआ से वहीं पर वो है ही है, उसको भी हम लोग मतलब पिटाई नहीं किए हैं और इस वजह से हम लोग को आना पड़ा जल्दी से। तो वैसे तो अभी हम फिलहाल घर पर ही हैं। और देखिए चारू यहाँ पर मिमी बोल रही है, कहाँ हुआ बेटा, देखिए किस तरह से सो रही है गमछे में, छोटा सा खाटी में सो रही है एकदम। और अभी मम्मी नहीं है घर पर, मम्मी अभी चल गई है, बकरी को सुबह ही बांध दी थी और अभी लेने गई है, लेकर के आएगी और यहाँ पर इस दूर जगह पर खुड़ देंगे उधर में। और उसके बाद में अभी चलेंगे प्रोग्राम देखने के लिए। तो मायके में हमको ये वाला साड़ी दिए थे, देखिए इस तरह से काफ़ी अच्छा, दोनों गोतनी को हम लोग को एक ही तरह का दिए थे। और चारू का भी नया फ्राक था तो उसको हम घाट दिए हैं धो धो करके, सारे काम अभी हम फटाफट कर लिए हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा कपड़ा दिए हैं, मेरी मम्मी बोल रहे हैं कि मेरा नतनी है तो कैसे नहीं देंगे। ये देखिए ये लाल वाला दिए हैं, तो हमको भी अच्छा लगा। और वैसे तो आजकल सेमी का दिन है तो बोल रहे थे कि मत जाओ भी, वैसे रह जा वैसे 8-15 दिन, तो हम बोले कि धान काटना है तो इस वजह से हम चला है। हाँ बेटा, तो चलिए चलते हैं, अभी प्रोग्राम जिधर लग रहा है उधर चलेंगे। अभी देखिए बकरी लेकर के चल आई है, जाएगी प्रोग्राम देखने ने मम्मी। हाँ तो जाएंगे तो उसके बाद में तो शाम हो ही जाएगा, इस चलते हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना इधर में रहेगा तो रोड से इस साइड में रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो उधर रहेगा तो पता नहीं, हम लोग उधर चल जाएंगे देखने के लिए तो कोई पता ले जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं। तो इस चलते हम लोग इधर बकरी को रख दिए ताकि इधर ही चरेगी अभी कुछ कुछ, उसके बाद में हम लोग चल जाएंगे। तो वैसे भी सब चार पापा भी चल गए हैं और मम्मी भी जाएगी और हम, तो वैसे तो हम नहीं नहाए हैं, सिर्फ ऐसे ही है, कल नहा धोवा कर उधर ही से आए थे। तीस चलते अचारो देखिए का हुआ बेटा, हैं का हुआ चारू, देखिए किस तरह से कर रही है, जाएगी ना। हाँ बेटी प्रोग्राम देखने जाएगी, गुडू चारू आजकल बात नहीं करती है, पता नहीं क्यों, काहे ना बात करती है बेटी, इसी तरह से रहती है। वहां गई थी नाना के घर में तो वैसे ही करती थी, नाना से तो और भी दुलार होती थी एकदम पूरी तरह से। तो अब हम लोग चलेंगे वहां पर जहां प्रोग्राम लगा है वहां पर। तो उससे पहले देखिए यहां पर चारू तो है सो गई है, ये देखिए इसको थोड़ा दूध पिला दी, यही नींद आ गई है। और बाकी बात सभी को चल गए हैं तो चलते हैं अब हम भी तैयार होने, टाइम 11-12 बज गया है तो सारे कोई वहाँ पर जमे होंगे, तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या है, मिठाई आया है और क्या क्या डांस हो रहा है। तो चलते हैं पहले तैयार होने से, घूम करके मम्मी और बाबू भी चल आए हैं, तो ये लोग तैयार होकर के नहीं गए थे, हमको लगा तैयार होकर, बाबू सिर्फ तैयार हो गया है और मम्मी नहीं तैयार हुई थी, सिर्फ ऐसे ही गई थी घूमने के लिए, तो हमको लगा था चली गई। तो अभी कपड़े सब पहनेंगे उसके बाद में जाएंगे, तो हम भी साथ में चलते हैं। चारू पापा बुला रहे हैं और चारू तो सो गई है, तो पहले हम तैयार हो लेते हैं उसके बाद में चारू को उठाएंगे और कपड़े पहना देंगे। हम हो गए हैं तैयार, ये देखिए इस तरह से इस साड़ी को पहने हैं और उसके बाद में अभी चलते हैं चारू को तैयार करने। तो चारू का कपड़ा जो है अंदर में है,
तो ये रहा चारू का कपड़ा, तो चारू को हम पहना लेते हैं उठा करके। तो चारू का हम इस तरह से कपड़े पहना दिए हैं, बस उसको थोड़ा सा चेहरा को हम पोंछ देंगे। तैयार हो गए हैं जाने के लिए, तो मम्मी भी तैयार हो गई है। तो ये देखिए पैसा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो कोई कोई चीज खरीद कर लेते आएंगे। और चारू यहाँ पर बैठी हुई है। चलो बेटा, चारू खाने के लिए निकल गए हैं और मम्मी मैया को बेतार ले रही है। तो हम यहाँ पर ताला लगा देते हैं क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा उधर से, और आएंगे वैसे तो बाद में, लेकिन अभी के लिए बंद कर लेते हैं। तो ताला को बंद कर दिए हैं, चाबी ये रहा। अभी टांटी को भी लगा देते हैं यहाँ पर। ये हमारा किचन रूम में, इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। और यहाँ पर तो चूल्हा है इस चलते, और चाबी को हम लुका लेते हैं। तो चाबी को हम यहाँ पर रख देते हैं झोला पर, यहाँ पर टांगा हुआ है तो वहाँ पर रख देंगे। मम्मी यहाँ पर टांग दिए हैं, चाबी है यहाँ पर, झोला पर है। अब चलते हैं और खाटी को उठा लेते हैं, खड़ा करके छोड़ देंगे इसको यहाँ पर, यहाँ नीचे हम रख देते हैं। चलते हैं, तो मम्मी के साथ में हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी मम्मी है और ये मेरी मम्मी आई हुई है, प्रणाम करते हैं मम्मी। और ये बड़ी मम्मी है, तो चलिए मम्मी, नहीं चलिएगा? चल भाई। ये प्लामो एरिया से है तो बोल रहे हैं कि चल भाई, तो मतलब कि चलेंगे। तो चलिए चलते हैं ना, आइएगा पीछे से हो। तो हम लोग सबसे पहले ही जा रहे हैं, उसके बाद में सभी को आएंगे पीछे से। तो हम लोग पहुंच गए हैं प्रोग्राम के पास में। ये देखिए यहाँ पर सारे दुकान उकान लगा हुआ है, देखिए इस तरह से है, और स्कूल के पास में ही है, तो देखिए इस तरह से। तो चलिए धीरे चलते हैं। आप लोग जो पीछे हैं, धीरे धीरे सामने चले आ गए, प्रोग्राम चालू है, आप लोग बस सामने आकर शांति से बैठे। जाने वाले नागपुर यूनिवर्सिटी के कलाकार श्रीमती जी आरती जी, वो आए